एक दिन जो है बेगम को भी रेस्ट दें। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू। ये भी भेज दें, पता नहीं क्या रखा हुआ है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये इनके काम है। अच्छा यहाँ से मुझे 150 कपकेक्स लेने थे अपने स्टूडेंट्स के लिए। ये देखें मेरी ग्रीन हो गई है और ये देखें कैल्विन की ब्लू हो गई है। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम सभी ठीक है, खुदा का शुक्र है। सो गाइस आज है संडे और इस वक्त सुबह के 9:30 बज रहे हैं। बस अभी थोड़ी देर पहले ही मैं और केल्विन सो के उठे, तकरीबन 9:30 बजे तक हम लोग उठ गए थे और बस उठ के हम लोग फ्रेश वगैरह हुए हैं। मैंने नाश्ते के लिए चाय रख दी है और केल्विन गए हैं बाहर हलवा पूरी लेने के लिए, क्योंकि आज संडे है तो काफी दिनों बाद ना मेरा हलवा पूरी खाने का दिल कर रहा था। मैंने कहा चलो आज हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। हालांकि हलवा पूरी वाला वेदर तो नहीं है, इतनी शदीद गर्मी हो रही है ना कराची में, ऊपर से मेरा पेट भी थोड़ा अपसेट है, लेकिन दिल बहुत कर रहा था तो मैंने मंगवा ली। मैंने कहा चलो थोड़ी सी खा लूंगी, तो बस केल्विन वही लेने गए, अभी आते ही होंगे। और आज काम भी बहुत ज्यादा है, सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी होती है स्कूल की, लेकिन कामों में कहां गुजर जाते हैं पता नहीं चलता, फौरन ही मंडे आ जाता है, सैटरडे संडे का तो पता ही नहीं चलता। तो मैंने सोचा चले आज सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और डोर भी नॉक हो रहा है, मुझे लग रहा है केल्विन भी आ गए। हेलो, आ गए हैं जनाब हलवा पूरी लेके। थैंक यू। चाय रख दी है मैंने, नाश्ता लगाऊं? बाहर गर्मी है ना, कैसी गर्मी है, शदीद बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। हाँ हाय तो करो व्यूवर्स को। हाय। हेलो गाइस। गर्मी बहुत ना, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। अक्टूबर एंड हो गया और पता भी नहीं चल रहा कि अभी तक इसका लग रहा है जून जुलाई है। अच्छा ये मैंने जो है अपने फ्रिज के और मशीन के जो गत्ते हैं ना कार्टन, वो मैंने ऐसे पैक कर दिए हैं, मेड कह रही थी लेके जाऊंगी तो आज ले जाएगी या तो फिर मंडे को ले जाएगी। अच्छा आज तो खैर संडे, आज नहीं मंडे को ले जाएगी या ट्यूसडे को। संडे मॉर्निंग हलवा पूरी का नाश्ता, गर्मी में ऊपर से फैन भी ऑफ किया हुआ है ताकि आवाज क्लियर आए। ये देखें गर्मी से बेचैन क्योंकि मैंने फैन ऑफ किया हुआ है, बहुत गर्मी लग रही है, बस ऑन कर लो, फैन ऑन कर लो। नाश्ता करके फिर मिलते हैं। तो ये देखिए गाइस आज हमारे किचन में कौन आया है। क्या बन रहा है भाई? मैं स्पेगेटीज बना रहा हूँ। केल्विन जो है आज बना रहे हैं स्पेगेटीज। बॉईल करने के लिए रख दी, पानी हो गया बॉईल या रख दो? नहीं, अच्छा अभी नहीं हुआ। ओके जी, तो आज बहुत दिनों बाद मैं केल्विन के हाथ का कुछ खाना वाना खाऊंगी। इनका आज दिल कर रहा था कुकिंग करने का, इन्होंने बोला आज संडे है स्पेगेटीज खाने का दिल कर रहा है, मैं बनाने लगी थी तो ही सेड के मैं बनाऊंगा। मैंने कहा चलो भाई आज जनाब कुकिंग कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ रेसिपी शेयर करेंगे? रेसिपी इसमें ये है कि स्पेगेटीज और चिकन को बॉईल करेंगे और वेजिटेबल्स कट करके उसको फ्राई करेंगे। वेजिटेबल में आपने डाला है ये गोभी है और कैप्सिकम है और मटर भी डाले, आलू भी डालो ना, आई लव पोटैटोस। आलू का इतना मजा नहीं आएगा इसका, क्यों नहीं। और इसको जो है हम इसके अंदर ब्लैक पेपर और जीरोमोटो भी डालेंगे बस, और ये सॉसेस भी तो डालेंगे ना लास्ट में, और पहले ये फ्राई हो जाए उसके बाद। ठीक है जी, आई गेस वाटर जो है वो बॉयल हो गया तो आप ना ये उसमें डाल दो। नहीं हुआ अभी। ओके जी, आप स्मेल चेक करेंगे, स्मेल कैसी आ रही है? बहुत जबरदस्त स्मेल आ रही है। चलिए जी आज हमारी छुट्टी है किचन से, संडे को जो है मेरी कोशिश हुई थी कि मैं खुद बनाऊं संडे को। हाँ इतने दिनों बाद जनाब खुद बना रहे हैं आज। एक दिन जो है बेगम को भी रेस्ट दें। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू। वैसे तो मेरे को बहुत शौक है कुकिंग का, लेकिन बस टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन कोशिश पूरी होती है कि मैं बनाऊं, लेकिन संडे को भी कोशिश करता हूं कि मैं ही बनाऊं। चलो ठीक है जी, आज मेरी किचन से छुट्टी है। कितना कितना? 2 कैप्स। ये है चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर।
ये बॉइल्ड चिकन है जो इसमें ऐड कर दिया। सो स्पेगेटीज रेडी हो गए, लेकिन हमने थोड़ी देर बाद खाना खाया था क्योंकि गर्मी की वजह से ना भूख नहीं लग रही थी, लेकिन बहुत ही टेस्टी बने थे। सो गाइज ये देखिए ड्रॉर कितनी मैसअप हो रही है, सारा फालतू सामान है जो ड्रॉर में है, तो आज मैं अपना ड्रॉर नीट करूँगी। ये सब निकाल दें एक्स्ट्रा ना, ये एक्सटेंशन भी मुझे लग रहा है ख़राब है, पता नहीं क्या क्या है अंदर। ये क्या है खोल के देखें। चाय पी ली आपने? आ जाओ बैठ जाओ। ये क्या है? ये क्या है? ये हाशमी का वो है। जो भी है ये, इसको फेंक दूं क्या, रखूं? फेंक दूं तो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया? हाँ फेंक दें फिर। ये फेंक। और ये क्या है? ये भी फेंक दें। पता नहीं क्या रखा हुआ है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये इनके काम है। ये ले, ये तो बिस्किट है, ये आप ले लेना। एक और चीज़ का पैकेट होगा, एक डब्बा होगा जिसमें ना चीज़ रखी थी थोड़ी सी ना, स्नैक्स वगैरह। ये रहा ये रहा, ये लें, ये देखें, ये लें, ये आप इसमें ना चीज़ डाल लो। ये क्या है? चने की दाल। ये तो मेरी है, ये पता नहीं कितनी पुरानी है। ये बाम है, अरे ये बाम आप ढूंढ रहे थे ना, मिल गई। ये क्रिसमस कैंडल्स हैं जो हमने ली थी, सेल डलेगा ना इसमें। इसी का तो कर रहे हैं, इसी लाइटों का। अच्छा ये दिवाली का है, ये लगा हुआ है स्टोन। लेकिन ये जल नहीं रही हैं। अरे ये जल गई सर, बोलते सेल डलेंगी। ये जल गई देखें, ये नहीं जल रही, ये फेंक दें, पता नहीं क्या है। एक ही जल रही है, बाकी सब खराब है। ओ नहीं, नहीं ये भी जल गई, ये भी, ये रही। दोनों में सेल डलेंगी। ये देखो दोनों जल रही हैं। आप जा रहे हो? ये देखें ड्रॉअर कितनी क्लीन हो गई है, सब कुछ मैंने निकाल दिया, जो भी एक्स्ट्रा सामान था, सिर्फ एक्सटेंशंस हैं और ये आर्टिफिशियल कैंडल्स हैं। जी गाइस, इस वक्त शाम के 7:30 बजे हैं और हम लोग खाना वाना खा के फ्री हो गए। हमने थोड़ा लेट ही खाना खाया था क्योंकि भूख नहीं लग रही थी, गर्मी भी बहुत शदीद है। तो बस अभी मैं और केल्विन जा रहे हैं बाहर किसी काम से, हम लोग इम्तियाज पे जा रहे हैं। और मुझे ना एक्चुअली कुछ कपकेक्स वगैरह लेने थे बच्चों के लिए, अपने क्लास के बच्चों के लिए ना, तो तकरीबन 150 या 200 कपकेक्स मुझे लेने हैं, तो इसीलिए मैं और केल्विन जा रहे हैं। और बस गर्मी बहुत हो रही है, चलें रेडी। और इन्होंने बहुत अच्छे स्पेगेटीज बनाए थे तो बहुत मज़े के थे, बहुत मज़ा आया खा के। तो खैर बस अभी चलते हैं। सो गाइज हम लोग आ गए हैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट। अच्छा यहाँ से मुझे 150 कपकेक्स लेने थे अपने स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मुझे ऐसा बॉक्स चाहिए था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पीसेज हों ताकि मैं बॉक्सेस ईजिली कैरी कर सकूँ। तो एक बॉक्स में ये जो कपकेक है, इसमें एक बॉक्स में तकरीबन 12 पीसेस थे, तो ये मुझे ज़्यादा बॉक्सेस लेने पड़ते हैं, मैं अकेली कैरी नहीं कर सकती थी, इसलिए फिर ये मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने दूसरा बॉक्स देखा, यहीं पर मुझे एक दूसरा केक दिख गया था, ये देखें, और इसमें जो है 24 पीसेस थे, तो ये मैं ईजिली कैरी कर सकती थी, इसलिए फिर मैंने ये 6 बॉक्स उठा लिए। ये ले लें फिर। केक्स तो हमने ले लिए हैं, तो हमने सोचा चले इम्तियाज़ आए हैं तो अपने लिए बॉडी स्प्रे भी ले लें, क्योंकि मेरा भी ख़त्म होने वाला था और केल्विन का भी ख़त्म होने वाला था। जब भी हम इम्तियाज़ आते हैं तो हम अपने लिए यहाँ से बॉडी स्प्रे ज़रूर लेते हैं। ये मुझे पर्पल बॉटल दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब मैंने इसको स्मेल किया तो इसकी फ्रेगनेंस कुछ इतनी ख़ास नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने ये नहीं लिया, मैंने दूसरा ले लिया था। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे थर्स्टी पे, थर्स्टी पीने के लिए, क्योंकि जब भी हम बाहर निकलते हैं ना तो हम थर्स्टी ज़रूर पीते हैं, क्योंकि आजकल वेदर ऐसा है ना, इतनी गर्मी होती है, दिल करता है कुछ ठंडा ठंडा पियो। तो हम लोग बाहर निकले तो दिल कर रहा था थर्स्टी पीने, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अच्छा ये मैंने ग्रीन कलर का मंगवाया था, इसका मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, फ्लेवर बहुत अच्छा था। और केल्विन पी रहे हैं ब्लूबेरी। अच्छा जब हम लोग ये पी रहे थे ना, तो हम दोनों की टंग जो है ना इसी कलर की हो गई थी, मेरी ग्रीन हो गई थी और केल्विन की हो गई थी ब्लू। ये देखें मेरी ग्रीन हो गई है और ये देखें केल्विन की ब्लू हो गई है।
गए हम घर। ये ले लिए हैं हमने केक्स। ओहो मेरे हाथ में फंस गया निकालना। ये मैंने अपने लिए पोटैटो स्टिक्स ले लिए थे। सो गाइस ये हमने केक्स ले लिए। ये देखिए एक पैकेट में जो है ना वो 24 है, तो मैंने 6 डब्बे लिए हैं मैंने केक के ना। 3 मैंने चॉकलेट फ्लेवर लिए हैं और 3 जो है वो स्ट्रॉबेरी है। सो गाइस हम लोगों ने अपने लिए बॉडी स्प्रे भी लिया है, गए थे तो सोचा चलो बॉडी स्प्रे भी ले लेते हैं। ये कैल्विन का है और ये मेरा है। मैंने अपने बैग के लिए रखा है ना, तो मैं अपने पर्स में ज़रूर रखती हूँ बॉडी स्प्रे, तो मेरा ख़त्म होने वाला है तो मैंने इसलिए ले लिया। ये शीक है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। थर्स्टी पी लो ना तो पेट ही फुल हो जाता है। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, तो बस अभी कपड़े वपड़े चेंज करेंगे उसके बाद फिर खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सो गाइस हमने खाना वाना खा लिया है, चाय वाय भी पी लिया और बस अभी हम लोग सोने लगे हैं। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, अब बस सोएंगे क्योंकि सुबह 5:30 बजे मुझे उठना होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ रात को ना जल्दी सो जाऊँ। तकरीबन मैं 9:30 बजे तक सो जाती हूँ, मैं और कैल्विन दोनों हम लोग सो जाते हैं 9:30 बजे तक। तो खैर अभी हम लोग सो रहे हैं। तो ये मेरा आज का पूरा दिन का व्लॉग था। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा इस व्लॉग को। सो अगर आपने इन्जॉय किया है देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट बिलो, हिट द बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय।